जिला महिला अस्पताल में लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि प्रसूताओं के नवजातों के लिए जिला महिला चिकित्सालय में सिख न्यू बॉर्न केयर यूनिट यानी नवजात शिशु देखभाल इकाई पिछले 3 महीनों से अपग्रेड के बाद संचालित की जा रही है। अपने दर्शकों को बताते चलें कि जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से कुछ बच्चे स्वस्थ होते हैं और कुछ बच्चों का वजन 2.5 किलो से भी कम होता है, जिसकी देखभाल बहुत मुश्किल होती है। वे नवजात कमजोर या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उन्हें यह इकाई संजीवनी की तरह काम आती है। शहर के गिने चुने निजी अस्पतालों में यह सुविधा 3,000 से 5,000 रुपये प्रतिदिन के दर से मिलती है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। वहीं यह सारी सुविधा शुरुआत में 4 बेड के लिए जिला महिला अस्पताल निःशुल्क मुहैया किया जा रहा है। इस यूनिट में 2 कुशल डॉक्टर सहित 8 नर्सें दिन और रात लगी रहती हैं, जिससे कि मासूमों की जिंदगी की हिफाजत हो सके और इस तरह केयर यूनिट में महफूज रह सके। यह निःशुल्क सहायता उन सभी गरीबों के लिए वरदान के रूप में साबित होगी कि जो प्राइवेट अस्पतालों में अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते हैं। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि इस तरह की सुविधा गोरखपुर जिले में केवल जिला महिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ही उपलब्ध है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर दिनेश सोनकर ने कहा, होगा ना? SNCU यानी सिख न्यू बॉर्न केयर यूनिट, इसमें जो नवजात बच्चे होते हैं जिनका वजन 1800 ग्राम से कम होता है और बीमार होते हैं, उनको रखा जाता है। इस तरह की सुविधा जिला अस्पताल या सरकारी चिकित्सालयों में अभी तक नहीं थी। ये 2016 में SNCU की स्थापना हुई थी 12 बेड की, लेकिन मानव संसाधन के अभाव में इसका संचालन नहीं किया जा सका था। इसी बीच कुछ मशीनें हमारे मेडिकल कॉलेज को भी शिफ्ट कर दी गई, लेकिन मेरे आने के उपरांत मैंने 4 रेडिएंट वार्मर और फोटोथेरेपी यूनिट हमारे पास बची हुई थी, जिसको कि हमने अपने नियमित 2 पीडियाट्रिशियन से इसका संचालन सुनिश्चित कर दिया है। तो पिछले लगभग 3-4 महीनों से हम SNCU का 4 बेड का संचालन कर रहे हैं। इसी बीच शासन द्वारा आदेशित किया गया था गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल में कि जहाँ पे SNCU पूर्व से बने हैं वहाँ पे 8 बेड का और एक्सटेंशन किया जाए, क्योंकि मरीजों की तादाद ज़्यादा है पॉपुलेशन की दृष्टि से। तो हमने 8 बेड के SNCU के नवनिर्माण का कार्य पूरा कर लिया है और शासन द्वारा प्राप्त बजट का उपयोग करते हुए रेडिएंट वार्मर और वेंटिलेटर 2 हमने स्थापित कर दिए हैं। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि 1 पीडियाट्रिशियन और दे दिया जाए तो मैं इस 8 बेड के SNCU का और संचालन में सुनिश्चित कर लूँगा और इस तरह से हमारे 12 बेड का SNCU संचालित हो जाएगा उपलब्ध संसाधनों से। जबकि इसके लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम लगातार उच्च अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए और उनको पत्र लिख रहे हैं। साथ ही यहाँ पे KMC का भी संचालन हो रहा है 4 बेड का, और जैसा कि आज देखिए कि उसमें 4 बेड के KMC पर भी हमारे पेशेंट हैं और 4 SNCU के रेडिएंट वार्ड पर भी नवजात लेटे हुए हैं। KMC में 2.5 किलो से 1800 ग्राम के बीच के बच्चे रखे जाते हैं, उसको माँ के पेट से लगाकर उनको ट्रेनिंग दी गई है, उसी तरह से रखा जाता है शरीर से लगाकर, जिससे कि उनको बच्चों को गर्मी मिले और उसका एक तरह से नेचुरल थेरेपी से उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और फीडिंग मेंटेन किया जाती है। सर, इस तरह की सुविधा अगर प्राइवेट अस्पतालों में अगर होती है तो सर क्या कास्ट होता है उसका, और अंतर तो खैर काफ़ी होगा। इसका प्राइवेट अस्पतालों की फीस का कास्ट के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बहुत कॉस्टली अफेयर है। और यहाँ पर SNCU प्राइवेट में है नहीं, मेडिकल कॉलेज में है और मेडिकल कॉलेज में
हमारे जिला अस्पताल के मरीजों का रेफरल भी रहता है, मेरे यहाँ से भी जाते थे पहले मरीज, तो उनका लोड भी ज़्यादा रहता है, तो एक तरह से मेडिकल कॉलेज का लोड भी कम होगा यहाँ पे एसएमसीयू के संचालन से।